क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में हर चीज उतना ही अलग अलग महत्व रखती है जितना कि दूसरी रखती है, चाहे वे कितनी ही फालतू क्यों ना दिखाई दे। जैसे अगर आप अपने दिमाग में चलने वाले फालतू विचारों की अगर बात करें तो वे भी उतने ही कीमती हैं जितने की काम के विचार आपके लिए हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो विचार ही होते हैं, लेकिन हम ही उनको फालतू और कीमती विचारों का टैग देते हैं। लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले एक बात के लिए तो खुश होना ही चाहिए कि अगर आपके दिमाग में फालतू ही सही मगर बहुत से विचार चलते ही जाते हैं तो कुछ तो आपके साथ अच्छा होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो गई है। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होने लगता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका दिमाग भी हायर फ्रीक्वेंसी पर काम करने तो लगा है मगर वह अभी बस सही मीडियम यूज नहीं कर पा रहा है, जहां से वह कीमती विचारों और फालतू विचारों में फर्क करना शुरू कर देता है। इसलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग में चलने वाले फालतू के विचारों से बच सकते हो और उनको कैसे आप अपने फायदे के लिए यूज भी कर सकते हो, अगर आप उनको अपने फायदे के लिए यूज करना चाहो तो। इसलिए अब अगर सबसे पहले फालतू के विचारों की बात करें तो ये वही विचार हैं जिनको आप कभी ना तो सोचना चाहते हो और ना ही अपने दिमाग में चलने देना चाहते हो। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जब हम इनको अपने दिमाग में सोचना चाहते ही नहीं है तो फिर ये हमारे पास आते कहाँ से है। इसको भी अगर सही से समझा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब भी आप अपने दिमाग में किसी भी विचार को इमोशंस के साथ सोचने के साथ साथ फील भी कर लेते हो तो वह आपके दिमाग में ही चिपक जाता है। या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि यह विचार जिसको आप किसी भी निगेटिव इमोशंस के साथ सोच लेते हो तो वह आपके दिमाग के खास हिस्से को एक्टिवेट कर देता है, और जब ये दिमाग का हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है तो अपनी ओर बिल्कुल वैसे ही विचार अट्रैक्ट करता जाता है जैसा पहला विचार रूपी बीज इसमें डाला गया था। और इस प्रकार एक कभी न खत्म होने वाली विचारों की सीरीज इंसान को घेर लेती है और कोई भी ऐसा इंसान इस गेम में खुद की ही गलती के कारण फंस जाता है। इसलिए अगर आपको इसका सॉल्यूशन करना हो तो आपको इतना अवेयर रहना होगा कि आपके दिमाग में चलने वाले हर विचार का आपको पता होना ही चाहिए, और ऐसा करने के लिए आपको एक बार माइंड को जीरो स्टेट पर पहुंचाना होगा जिसमें आप अपने दिमाग के हर विचार को चलने से रोक सकते हो। या आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आप अपने दिमाग में केवल वही विचार चला सके जिसको आप चलाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके भी आप दिमाग से फालतू के विचारों से निजात पा सकते हो। लेकिन आपको फिर भी इतना अवेयर तो रहना ही होगा कि आपके दिमाग में कोई भी अनचाहा विचार आपकी मर्जी के बिना ना घुस सके। इसलिए अब अगर कुछ टेक्निक्स की बात करें जो कि आपके दिमाग से फालतू के विचारों को हटा देंगी, तो उसमें से सबसे पहले नंबर पर आती है मंत्र टेक्निक, जिसमें कि आप कोई भी मंत्र का जाप लगातार कम से कम 10 मिनट तक कर सकते हैं, और इसके लिए आप चाहे तो कोई से भी मंत्र का उच्चारण यहाँ पर कर सकते हैं या अपना खुद का भी कोई वाक्य आप अपने लिए मंत्र की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखें, अगर आप अपने लिए खुद का ही कोई वाक्य लेते हैं जिसका मतलब आप जानते हैं तो आपका दिमाग आपको फिर से एक दो दिन में ही अपने जाल में फिर से फंसा लेगा। इसलिए आप अगर संस्कृत का ही कोई मंत्र ले तो ज्यादा अच्छा है, और उस मंत्र का मतलब भी जानने की कोशिश ना करें तो और भी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपने मंत्र के मतलब को जाना या उसको जपने के फायदों को जाना और फिर आपने उसको जपना शुरू किया तो आप फिर से दिमाग के चक्कर में फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि यह दिमाग इतना ताकतवर होता है कि यह खुद ही अपने लिए अपनी फोर्स इकट्ठा कर लेता है और उस इंसान को ही हरा देता है जिसके सिर में यह फिट रहता है। इसलिए इसको काबू में लाने के लिए आप कुछ ऐसी टेक्निक का प्रयोग करना होगा जिसका मतलब इसको समझ ही ना आए। जैसे जब आप कोई भी संस्कृत का मंत्र बिना उसके मतलब को अपनी भाषा में जाने जपना शुरू कर दोगे तो आपके दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि आप आखिरकार कर क्या रहे हो, और वे अपने सारे विचारों को चलाना बंद करके इस मुसीबत पर ध्यान लगाएगा जो आपने उसको इस मंत्र के जरिए दी है, और समझ इसको कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे होंगे जिसका मतलब उसको पता ही नहीं होगा, और वे कुछ ही देर में पहले तो पूरी तरह से अशांत होगा और फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा, और आपके दिमाग के सारे विचार इतने समय के लिए तो रुक ही जाएंगे जितने समय आप इस मंत्र का जाप करेंगे, और फिर से आपके दिमाग के खास हिस्से में कुछ ऐसी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी जो इस मंत्र को एक विचार के रूप में स्टोर करेंगी, और जब ये सेल्स अपना काम करेंगी तो आपको उसी स्टेट में बार बार ले जाती रहेंगी जब आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं होंगे। लेकिन आपको ऐसा सही से कर पाने में कितना टाइम लग सकता है ये केवल आपकी नॉलेज, समझ और जरूरत आदि के हिसाब से पूरी तरह डिपेंड करता है। इसलिए अब अगर दूसरी टेक्निक की बात करें तो आपको खुद को प्रेजेंट मोमेंट में जीने की और रखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी इंसान के दिमाग को टाइम का स्पेस मिल जाता है तो उसका मन बहुत लंबी लंबी यात्राएं करने लगता है, और इसीलिए दुनिया भर के विचार किसी के दिमाग में आते रहते हैं, जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हो कि इंसान को ज्यादातर दो ही तरह के विचार आते हैं, या तो वे पास्ट से रिलेटेड होते हैं या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं।
लेकिन जैसे ही कोई इंसान अपना पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर ले आता है तो उसके दिमाग से विचार चलने एकदम से रुक जाते हैं और उसको बहुत सी मानसिक शांति महसूस होने लगती है। और ऐसा करने के लिए आप एक टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि आप खुद से डिसाइड करें कि आप अगले एक मिनट या कुछ मिनट या सेकंड तक स्टैचू की तरह बिहेव करेंगे और आप बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, जिसमें आप जिस भी कंडीशन में होंगे बस स्टैचू की तरह हो जाएंगे। तो आप पाओगे कि जैसे ही आप अपना शरीर हिलाना बंद कर देते हो वैसे ही आपके दिमाग के विचार भी चलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों इस कदर एक दूसरे से जुड़े हैं कि वे एक दूसरे के बिना कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो जैसे ही आपके दिमाग में बहुत से विचार आने लगेंगे तो आप इधर उधर भागने लगोगे या बहुत से काम चलते फिरते करने लगोगे या बस यूं ही हाथ पैर हिलाने लगोगे। लेकिन अगर आप अपने हाथ पैर जबान आदि को कुछ देर के लिए एक जगह रोक दोगे तो आप पाओगे कि आपका दिमाग भी शांत हो गया है और आपके विचार भी शांत हो गए हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आपके दिमाग को कंट्रोल करने की तो बहुत सी टेक्निक और भी हैं जो किसी के भी दिमाग को कुछ ही मिनटों में कंट्रोल कर सकती हैं, भले ही वह कितना ही भटका हुआ क्यों ना हो। लेकिन ये दोनों टेक्निक भी बड़े ही कमाल की है जिसको आप जब भी करोगे ये तुरंत ही अपना असर आपके दिमाग पर दिखाएंगी और उसके विचारों को रोकने में आपकी मदद करेगी। इसलिए आप जब चाहे जहां चाहे इन टेक्निक्स का प्रयोग करके अपने दिमाग के फालतू विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।